स्वागत है आपका स्वदेश में। आज की खास खबरें कुछ इस प्रकार हैं। 350 स्कूलों से होगी शुरुआत, नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई। प्राइवेट स्कूलों की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी अब क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में काम करने जा रही है। हर जिले या ब्लॉक में एक स्कूल होगा जिसमें नर्सरी से लेकर 12वीं तक की न केवल शिक्षा मिलेगी बल्कि बच्चों को उनके घरों से स्कूल लाने छोड़ने की बस सुविधा भी दी जाएगी। इन स्कूलों के आसपास 15 किलोमीटर तक फिर कोई दूसरा स्कूल नहीं होगा। कैबिनेट बैठक में इस नए प्रस्ताव के साथ शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। स्कूलों को सीएम राइजिंग स्कूल कहा जाएगा। इस दौरान विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। प्रदेश में ऐसे 350 स्कूलों से शुरुआत की जा रही है। इनमें आधारभूत सुविधाओं, खेल मैदान, शिक्षा और टीचरों की कमी नहीं होगी। गृह मंत्री की अपील, नकली दवा बिकने की शिकायत थाने में दर्ज कराएं। ऐसे माफियाओं से सरकार सख्ती से निपटेगी। मध्य प्रदेश सरकार मिलावटखोरों के बाद अब दवा माफियाओं पर नकेल कसने जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अमानक और नकली दवाओं के बिकने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे माफियाओं के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि नकली दवा बिकने की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराएं। मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। एमपी बोर्ड में 5 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म सुधारे जा सकेंगे। 20 फरवरी तक ₹25 और उसके बाद ₹300 लगेंगे। एमपी शिक्षा मंडल में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए परीक्षाओं के लिए भरे गए नामांकन परीक्षा आवेदन में छात्र 5 फरवरी से ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। इसमें नाम, जाति, तिथि, फोटो, विषय, माध्यम, लिंग, शुल्क, छूट समेत आदि श्रेणियों में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। इसके लिए 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक संशोधन के लिए ₹25 देने होंगे, जबकि इसके बाद 5 मार्च तक छात्र संशोधन कर सकेंगे। हालांकि 20 फरवरी के बाद इसके लिए ₹300 लगेंगे। उपार्जन के लिए पंजीयन में आधार सत्यापन की बाध्यता नहीं होगी। डेटा मिलान के बाद बेच सकेंगे फसल। नए कृषि कानूनों के विरोध के बीच मध्य प्रदेश सरकार किसानों पर मेहरबान है। अब रबी की फसल के उपार्जन के लिए सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। उपार्जन के लिए पंजीयन में आधार सत्यापन की बाध्यता नहीं होगी। इसके लिए व्यवस्था यह की गई है कि पंजीयन के बाद पटवारी स्तर पर आधार संबंधी डेटा मिलान के बाद किसान अपनी फसल सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे। अभी तक किसानों द्वारा पंजीयन के समय दिए गए आधार नंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में दर्ज रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा था, जिसके चलते कई जिलों में पंजीयन में दिक्कतें आ रही थीं। यही वजह है कि अब तक केवल 2 लाख किसान रबी की फसल के उपार्जन के लिए पंजीयन करा पाए हैं। भोपाल में 98 दिन बाद एक भी मौत नहीं, रिकवरी रेट भी 93% से ज्यादा। राजधानी में 98 दिन बाद सुकून भरी खबर आई है। मंगलवार को कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई, वहीं रिकवरी रेट भी 93% से ज्यादा हो गया है। प्रदेश में यह आंकड़ा 97.50% है। खास बात यह है कि प्रदेश के बड़े शहरों में जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, वहां भी एक भी मौत नहीं हुई। केवल दमोह, रतलाम और खरगोन में एक एक मौत हुई। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में भी कोई मौत नहीं हुई है। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।